मुलाकात विद माणिक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाड़ोती के रहने वाले हिंदी और राजस्थानी के जाने माने कवि अंबिका दत्त जी से, आपके जीवन के बारे में, आपके रचना कर्म के बारे में। तो एक बार फिर से अंबिका दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अंबिका दत्त जी, हम ये देखते हैं कि इन दिनों विचारधाराओं का एक संकट है, युवा जो है वो काफी भ्रमित रहता है कि कई एक उम्र तक तो कोई समझ ही नहीं पाता है कि विचारधाराओं का ये क्या क्या मसला है, और जब वो धीरे धीरे जब समझने लगता है तो ये तय करने में काफी वक्त बिता देता है कि किस विचारधारा का पक्ष लेना चाहिए। या हजारी बाबू कहते हैं कि तमाम विचारधाराओं में कमियां हैं और तमाम विचारधाराओं में कुछ न कुछ अच्छा है, तो हमें अंततोगत्वा मानवतावादी होना चाहिए। तो विचारधाराओं के संकट पर आप क्या कहना चाहेंगे उम्र के इस पड़ाव पर, जब आप लगभग 60 बरस अपनी उम्र बिता चुके हैं और चूंकि आप साहित्य के क्षेत्र में रहे हैं तो साहित्य में भी कहीं ना कहीं एक विचारधाराओं की राजनीति रही है, भले ही वो पर्दे के पीछे रही हो, उसका होना लाजमी भी है। तो विचारधाराओं के संकट पर खासकर हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? माणिक जी, आपकी बात को जब मैं लोगों के जीवन के धरातल पर ले जाकर देखने या समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपने अनुभव से लगता है कि विचारधारा का संकट तो दूसरे स्तर का या चरण का संकट है। पहला संकट तो विचार का ही है। क्या बात, हम देखते हैं कि हमारे आसपास विचारवान लोगों की बड़ी कमी है। युवाओं की तो खैर बाद में बात करें, लेकिन जो विचार होना चाहिए, बल्कि मनुष्य होने की बुनियादी जो कसौटी या शर्त है वो उसका विचारवान होना ही है। पशु से मनुष्य अलग इसीलिए होता है कि वो विचारवान है, लेकिन हम देखते हैं कि इस समय विचार का सर्वथा अभाव है, काम नहीं करता है आदमी का विचार वो, और कई बार तो उसका इस तरह से नियोजित तरीके से निषेध किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने अनजाने नियोजित तरीके से, षड्यंत्र तरीके से जो मनुष्य की प्रतिगामी शक्तियां हैं, जो सारे साधनों को, संसाधनों को, शक्तियों को अपने पास केंद्रित कर लेना चाहती हैं, वे नियोजित तरीके से ये चाहती हैं कि मनुष्य के जीवन में से विचार विलुप्त हो जाए, विचार रहे ही नहीं, क्योंकि उन शक्तियों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा या शक्ति कोई अगर चीज देती है तो वो विचार है। ऐसी कौन सी शक्ति है? बाजार भी बहुत बड़ी शक्ति है। बाजार क्या, वो वृत्ति पूरी एक बड़ी शक्ति है, जो जिसको कहा जाते हैं कि सारे शक्ति ताकत को अपने पास केंद्रित कर लेना चाहता है। बाजार बहुत बड़ी शक्ति है और बाजार यही काम करता है, बाजार तो एक टूल की तरह काम करता है, लेकिन सवाल ये कि बाजार को चलाता कौन है, वो वही शक्तियां चलाती हैं। तो ये पूरा उसका राजनीतिक सिस्टम है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो षड्यंत्र हैं और उसका बहुत सारा जो संश्लिष्ट स्वरूप है वो बहुत ही कई बार हमारे स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आता है। कई बार वो हमारे सामने भाववादी रूप में आता है, जो मनुष्य की वृत्ति की भाववादी अप्रोच है हम उसे विचार के विरुद्ध खड़ा करके प्रस्तुत करते हैं, भावनाशीलता। साथ साथ मेरा प्रश्न ये कि युवा जो है जी वो कंफ्यूज्ड है जी, कि वो वामपंथ को चुने, दक्षिण पंथ को चुने या फिर लिबरल रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक सूत्र रूप में कैसे उनको एक सूत्र दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमें समझना चाहिए कि जो हमारा विचार है उस विचार में सही और गलत क्या है, हम सही चीजें समझें तो और हम सही के साथ खड़े रहे। ठीक है भाई, क्या एक आदमी सारी शक्तियां सारे साधन अपने हित में कर ले, बाकी लोग वंचित हो जाएं,
उनसे उसको कोई तकलीफ उसकी दूर करने वाला न हो, उसका शोषण होता रहे, क्या हम इस विचार के साथ खड़े रहेंगे? एक तरफ सत्य की ताकत है, एक तरफ झूठ की ताकत है, हमें तय करना पड़ेगा हम सत्य की तरफ रहेंगे या झूठ की तरफ रहेंगे। एक तरफ ईमानदारी की ताकत है, एक तरफ मैं इसका राजनीतिकरण करने के बजाय मनुष्य के जो बुनियादी जीवन में जो चीजें आती हैं, क्योंकि राजनीति का शिक्षण, राजनीति एक शिक्षण औपचारिक चीज है, लेकिन समाज में जो अशिक्षित समाज है, समाज में जो लोग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां तो वहां भी है। आप एक राजनीतिक प्रशिक्षण से वामपंथ और दक्षिणपंथ की बात कर सकते हैं, लेकिन जो देहात है वहां भी लोग सत्य और असत्य के साथ तो खड़े होते हैं, न्याय अन्याय की बात तो वो भी कर रहे हैं, तो वो समझ उनको कहां से आए? तो मैं ऐसा कहता हूं, किसी वैचारिक या औपचारिक प्रशिक्षण या शिक्षण की आवश्यकता के बिना भी हमारी जो मौलिक अप्रोच है, जो हमें जीवन के निकट ले जाती है, जीवन को समझ में ले जाने की कोशिश करती है, हम अपने समाज में अपने आसपास देखते हैं रिलायबल कौन है, विश्वसनीय कौन है, आदरणीय कौन है, हम किसके प्रति ज्यादा, जो ईमानदार है, जो सच्चा है, जो दूसरों से प्रेम करता है, जो दूसरों के काम आता है, वो अच्छा है, उसको मूल्यों की बात है, तो उन मूल्यों को हमें स्वीकार करना चाहिए, उन मूल्यों से बचना चाहिए। अब जबकि हो ये रहा है, हमारी जो बाजारवादी संस्कृति है, ये हमारे नौजवानों को सिखाती है कि तुम स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ अपने लिए जो कुछ करना है अपने लिए करो, दूसरे के प्रति समझ नहीं हो तो क्या लेना देना तुमको, क्या फालतू बातों में क्यों उलझते हो, सेवा सेवा से जैसे वो उसको विरत कर दिया है। तो जब वो व्यक्तिगत मूल्यों में इतना सिकुड़ता चला जाएगा, तो जो निरंतर सामाजिक उसका व्यापक जो आंदोलन है उसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो वहीं से पहले व्यक्तिगत चीज में आया। तो वामपंथ और दक्षिण पंथ में जाने के बजाय अगर हम ये कहें, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमेशा ही राजनीतिक भाषा राजनीतिक मुहावरे में नहीं की जा सकती है, राजनीति एक शिक्षा प्रशिक्षण है जो मनुष्य को तैयारी करता है, उसके वैचारिक जो परिप्रेक्ष्य है या उसका वैचारिक समझ उसको परिष्कृत करता है, साफ करता है, व्यवस्थित करता है, वो चीजों को ठीक से समझता है, लेकिन उसके पास अपने जो मूल्य हैं वो उसे लोक से, जीवन से, परंपरा से आते हैं, और ये खुद उसे अपनी समझ से हासिल करने चाहिए कि उसे इधर रहना चाहिए, पॉजिटिव चीजों की तरफ रहना चाहिए या नेगेटिव चीजों की तरफ रहना चाहिए, और ये चीजें रटने से नहीं अपने स्वयं के द्वंद्व से उपजती हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहली चीज तो सोचना चाहिए आप विचारवान है या नहीं है। अगर आप विचारवान नहीं है तो आप मनुष्य कैसे हो सकते हैं, और अगर आप विचारवान है तो आपका विचार आपको किस तरफ खड़े होने की बात करता है, आपको गलत चीजों की तरफ ले जाना चाहता है या सही चीजों की तरफ, और आपको तय करना पड़ेगा। और जब आप ये तय कर लेते हैं तो अपने आप बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुलते चले जाते हैं, चीजें फिर आपकी मदद करती हैं, आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलती चली जाती हैं। ये विमर्श का, ये परामर्श का ये सिलसिला तो निरंतर चलता रहेगा। अच्छा, ये मूल्यों की बात या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, आदमी अपने जीवन से भी लगातार सीखता है, संगत से सीखता है, हाँ, सोबत से सीखता है, अध्ययन से सीखता है। यहाँ पर हम जैसा कि हम सोच कर क्या है थे कि किन किन मुद्दों पर आपसे बातचीत करनी है जी, जो युवा है वो किताबों से दूर हो रहा है, हाँ। तो पुस्तकालय की संस्कृति, पुस्तक की संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति रही है खासकर हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। आप भी अपने बचपन में कई किताबों, हाँ, मेरे को बहुत बड़ा योगदान है सबके, हाँ। तो अपने बचपन को याद करते हुए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, और आज के परिदृश्य में पुस्तकालय संस्कृति या पुस्तक की संस्कृति के क्या हालात, आप अपने बचपन में किन किताबों से प्रभावित हुए थे कि आप इस लिखने पढ़ने की संस्कृति में बहुत गहरे तक आगे उतरे? कुछ मेरे जीवन में जो कुछ भी रचनात्मक है या रचनात्मक समझ मेरे अंदर आई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसमें सबसे बड़ा योगदान पुस्तकों का ही है, और पुस्तकों ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया। मेरे जीवन में अगर कुछ मूल्यवान है तो वो पुस्तकों की वजह से हुआ। मैं अगर किसी भी तरीके से अच्छा मनुष्य हो सका तो वो पुस्तकों के कारण हो सका। मैं किसी भी रिश्ते में अगर अच्छा सिद्ध हो सका तो वो पुस्तकों के कारण हो सका, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे पढ़ने की वृत्ति बहुत प्रारंभ काल से थी, और मैंने जो बाल चित्र कथाएं थी वहां से पढ़ना शुरू किया था, और बाद में मैं सामान्य अध्ययन के रास्ते से गुजरता हुआ मैंने जो आपका वो
है लोकप्रिय साहित्य या जो वो भी बहुत पढ़ा, मैंने गुलशन नंदा को भी पढ़ा, मैंने ओम प्रकाश को भी पढ़ा और प्रेम वाजपेयी को भी पढ़ा, सब लोगों को पढ़ते पढ़ते प्रेमचंद जी को फिर पढ़ा, प्रेमचंद जी को पढ़ा, फिर आचार्य चतुर सिंह को शास्त्री को पढ़ा, गुरुदत्त को पढ़ा और बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, हंसराज रैवर को पढ़ा, मैंने बंगाली लेखकों में शरद चंद्र को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, इन सबको पढ़ते पढ़ते और धीरे धीरे मुझे लगा कि हमें हमारे पास संसार को जानने का भौतिक रूप से किताबों के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जी। हम संसार को कैसे जान सकते हैं, हमको या तो उठकर बाहर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे से मिलना पड़ेगा, दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा जी। तो उसमें हमारे पास न तो इतना समय है और न इतने साधन है, लेकिन किताब अगर हमने पढ़ी अपने कमरे में ही तो हमारी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति के सहारे वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसको हम बाहर जाकर कई दिनों में बहुत सारे साधनों के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको पढ़ने की रुचि है, और जो पढ़ने की रुचि नहीं रखते उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रुचि है पढ़ने की तो उसे बरकरार रखिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बात की बिल्कुल एक अच्छे पाठक की तरह जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, कभी भी अपने पाठक को के ऊपर जुल्म मत करिए। मैं एक अच्छा पाठक हूँ, मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं पढ़ता, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो जरूर पढ़ता हूँ। मेरे कितने बढ़िया किताब हो लेकिन अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो नहीं पढ़ता। किन कवियों की रचनाएं आपको ज्यादा पसंद आती है, या आपकी रचनाओं में किस कवि का अंदर एक असर है, ऐसा कभी आप सोच पाए? असर तो मुझे ऐसा लगता है कि असर आप कहें तो मुझे लगता है कि संस्कार एक संश्लिष्ट चीज है। जब आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें, क्योंकि निखालिस तो क्या होता है, हम सब परस्पर अनुभव से सीखते जानते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों से बहुत सारे प्रभाव आते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में, हाँ हिंदी साहित्य में देखिए कि हाँ मुझे जो है जो प्रभाव है कवि है, जैसे दिनकर अच्छे लगते हैं मुझे, निराला अच्छे लगते हैं, और आधुनिक काल में मुझे एक समय था जब मैं दुष्यंत कुमार को पूरा याद किया हुआ था मैंने, धूमिल मुझे अच्छे लगते हैं, रघुवीर साय मुझे अच्छे लगते हैं, और इसके अलावा मुझे भक्ति काल के जो कवि हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खास तौर से, और वो इसलिए अच्छे नहीं लगते कि उनमें भक्ति की रचनाएं हैं, मुझे लगता है कि उनमें कविता और भाषा के जो प्रतिमान है वो बहुत उच्च कोटि के हैं। मैं जब मीरा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये ऐसी कविता है ही नहीं, मुझे लगता है ये विश्व कोटि की कविता है। मुझे जब तुलसीदास दिखाई देते तो मुझे लगता है ऐसी उपमा कहां से लाऊं मैं कई बार कालिदास को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है इतना दिव्य और इतना ऊंचे दर्जे का कवि है ये, तो मुझे वे कवि बहुत हॉन्ट करते हैं पुराने कवि, और जो ज्यादातर वही कभी मुझे अच्छे लगते हैं। अन्यथा तो मैं गद्य का ही, मुझे शरद चंद्र बहुत अच्छे लगते थे, मुझे ताराशंकर बंदोपाध्याय और ये बांग्ला लेखक बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उन सबको बहुत पढ़ा है, और मराठी के लेखक बहुत अच्छे लगते हैं जो अनुदित होकर आए हिंदी में, अमृतलाल नागर बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप कहेंगे फिर गद्यकारों के नाम गिनाने लगे हैं, पर मुझे वो अच्छे लगते हैं, और मुझे एक समय के बाद ऐसा लगता है कि कविता और गद्य जो है उनमें कोई भेद नहीं होता ज़्यादा, वे मतलब जो वो गद्य अच्छा होता है जो काव्यात्मक हो, कविता तो अद्भुत चीज है। कविता के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करता,
कविता से तो मैं अभिभूत ही रहता हूँ, कविता मुझे आनंदित करती रहती है, कविता तो छा जाने वाली चीज है और कविता तो कई बार मुझे लगता है बहुत ज्यादा व्याख्या करने से नष्ट हो जाती है। वैसे अगर आपसे कविता पे तो पूरी एक अलग से बातचीत की जानी है। जी जी। एक आंदोलन चला था हमारे राजस्थान में जो अभी भी चल रहा है और कमोबेश रूप से आप उससे जुड़े हुए रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, राजस्थानी को मान्यता दिलाने का एक आंदोलन चल रहा है। जी जी। एक भाषा के तौर पे जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। जी। तो आप इस बारे में आधिकारिक रूप से आप आज आपके क्या विचार हैं इस आंदोलन को लेके, आपको क्या लगता है क्या कि राजस्थानी में राजस्थानी को अगर हम मान्यता अलग से दिला देंगे तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास में से राजस्थानी की तमाम जो आदिकाल की रचनाएं हैं वो सब बाहर निकल जाएगी तो हिंदी में बचेगा क्या? आने वाले टाइम में अवधि को अलग से मान्यता मिल जाएगी तो हिंदी में बचेगा क्या? मान्यता मिलने से क्यों वो हो जाएगा? मान्यता मिल जाए इसके बावजूद हिंदी ने अपना स्वरूप जो ग्रहण किया है वही सब भाषाओं से बोलियों से मिलकर तो ग्रहण किया है, तो इतिहास थोड़ी मिटा दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी भाषाओं को जो भारत की दूसरी भाषाओं को मान्यता मिली तो राजस्थानी को राजस्थानी के मानक स्वरूप को लेकर के भी एक बहुत वो है कि हाड़ौती को माना जाए, मारवाड़ी को माना जाए, मेवाड़ी को माना जाए या ढूंढाड़ी को माना जाए, क्या कुछ है ऐसी दिक्कतें हैं या नहीं? नहीं, ये मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। और जैसे हिंदी को कई तरीके से लिखा जाता है, आप अगर बंबई की हिंदी देखेंगे तो अलग तरीके की हिंदी है, लखनऊ की हिंदी देखेंगे तो अलग तरीके की हिंदी है, हैदराबाद की हिंदी है तो अलग तरीके की हिंदी है, और अल्टीमेट जब हम देवनागरी लिपि में ही राजस्थानी को लिखना चाहते हैं तो वो अपनी स्वरूप में रहे, बची रहे, और जब बहुत सारे विभिन्न स्वरूपों में हिंदी हो सकती है तो राजस्थानी भी हो सकती है, क्या दिक्कत है? भाई आप मुझे बताओ कि मीरा को आप राजस्थानी की कवियत्री कहते हैं और सूर्यमल को भी राजस्थानी का कवि कहते हैं, दोनों की राजस्थानी तो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब राजनीतिक सवाल है। मैं सोचता हूं कि मान्यता देने से एक भाषा और भाषा के बोलने वालों को उसमें रचने वालों को एक कुछ संबल मिलता है, बल मिलता है तो देना चाहिए। भाषाओं की लड़ाई तो राजनीतिक लड़ाई है, ये लड़ाई तो फिर हिंदी अंग्रेजी की भी लड़ाई है, ये लड़ाई तो दक्षिण भारतीय भाषाओं की हिंदी की लड़ाई भी है, तो जो लड़ाई है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, भाषाओं को पोषण करने की बात है। तो अगर कोई पोषण किसी भाषा का होता है तो करना चाहिए, क्या दिक्कत है? और मुझे मैं ऐसा समझता हूं कि जो जिस भाषा को लोग बोलते हैं जिस क्षेत्र के लोग उनसे संवाद करने के लिए और उनके जीवन को बताने के लिए वे जो भाषा बोलते हैं उससे दूसरी कोई भाषा उपयुक्त नहीं होती। मैं अगर हाड़ौती में बोलने वाले आदमी को से हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं अपने विचार को उस तक पहुंचा रहा हूं, उसे उसे समझने के लिए हाड़ौती में अनुवादित करना पड़ता है समझने के लिए, और यदि मैं उसके जीवन के बारे में कोई बात आपको हिंदी में बता रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं उसको अनुवाद कर रहा हूं, इस अनुवाद की जो फर्क है वो मिट जाए तो क्या बुरा है? ये जो एपिसोड हम कर रहे हैं इसमें आखिरी पड़ाव पर हम हैं, हम अंत में ये पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत सालों तक हिंदी में लिखा जी और बीच बीच में आप राजस्थानी में भी लिखते रहे जी, जैसा कि लगभग 4 या 7 में से 4 किताबें या 3 किताबें तो आपकी राजस्थानी कविता संग्रह की है जी। आपसे एक मुलाकात में आपने ये कहा था कि अब मैं हाड़ौती में आपने नुगरे के पद लिखे जी, बहुत लोकप्रिय हुए हैं जी, तो उस समय आपने ये कहा कि हाड़ौती में लिखना या अपनी अपनी खुद की जो आपकी प्रादेशिक या उस इलाके की जो एक भाषा बोली है या भाषा है भाषा कहना चाहिए जी, उस भाषा में आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, वो ज्यादा उन लोगों को अप्रोच कर रही है जो जिन लोगों को अब तक मैं अप्रोच कर नहीं पाया जी, तो आपको आप क्या कहना चाहते हैं हाड़ौती को लेके? मैं हाड़ौती के को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस लोकेल से आता हूं जी, जिस स्थानीय संस्कार के साथ आता हूं उन लोगों की बात को मैंने तो यह भी अनुभव किया है कि मैं जो हाड़ौती बोलने वाले नहीं है उन लोगों के बीच में भी
यदि मैं उनकी बात को अपने रचनात्मक स्वरूप में आहुति में कहता हूँ तो ज्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है, मत अंबिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बातचीत की और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद।